हेलो व्यूअर्स, आज फाइनल डे 24th डे ही समझो, क्योंकि 23rd जस्ट कंप्लीट हुआ है। रामोजी फिल्म सिटी से निकलने के बाद में प्लान तो रात को हॉल्ट मारने का था, लेकिन प्लान चेंज हो गया और ऐसा इच्छा हो गया कि कंटिन्यू कर देंगे राइड को और राइड कंप्लीट कर देंगे। पहले क्या प्लान के हिसाब से हम लोग 14th को अर्ली मॉर्निंग पहुंचने वाले थे। अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे एरिया कवर करने के बाद में सोचा घर निकल जाते हैं, क्योंकि अभी वापस होटल में रुकना, फिर होटल में रुकने के बाद सुबह निकलने में लेट हो जाता है। फिर तो सोचा कि डायरेक्ट निकल जाऊं। और रामोजी फिल्म सिटी से जब भी हम लोग निकले आज 752 किलोमीटर्स कवर करना था बदलापुर के लिए। मेरे घर का एग्जैक्ट लोकेशन तक 752 किलोमीटर है, तो 752 किलोमीटर 13 आवर 56 मिनट्स दिखा रहा था, 13 आवर 25 मिनट्स दिखा रहा था। तो 13 आवर 25 मिनट्स को मैं सोचा कि कवर कर ले, कि जहाँ पे नींद आएगा या कुछ तो थोड़ा देर कार में रेस्ट करके कंप्लीट कर देंगे। तो उससे क्या होएगा कि मेरा मॉर्निंग में अराउंड 10-11 बजे तक मैं घर पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होके नेक्स्ट डे 14th को फ्रेश ऑफिस में जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। ये था कंसेप्ट। अभी निकला हम लोग 6:40 के रेंज में, 6:40 या 6:35 के रेंज में निकले हम लोग, और अराउंड अभी कितना बजे, अभी 9:15 हुआ है, अभी 9:12 हुआ है और हम लोग ऑलरेडी 669 ऑलमोस्ट हम लोग 96 किलोमीटर कवर कर दिया था। और हमारा डिनर ब्रेक था, डिनर ब्रेक भी हो गया, डिनर ब्रेक करीब 1 घंटे का था। एक अच्छा रेस्टोरेंट था स्पाइस करके, वहाँ पे खाना खा लिया, लेकिन थोड़ा सर्विस लेट था जिसकी वजह से खाना का जो ऑर्डर दिया पूरा नहीं खा पाया, लेकिन ठीक है, ज़्यादा दबा भी नहीं सकता क्योंकि ड्राइव करना है, नींद आएगा। तो अभी का प्लान के हिसाब से कुछ 11 बजे तक खींचूंगा, उसके बाद जहाँ पे सेफ जगह मिलेगा वहाँ पे थोड़ा गाड़ी पार्क करके सो जाएगा, और एक 3-3.5 बजे के रेंज में या फिर 2-2.5 बजे के रेंज में कंप्लीट कंटिन्यू कर देंगे। मतलब एक 2-3 घंटे का ब्रेक मिल जाएगा। रामोजी फिल्म सिटी का ट्रिप होने के बाद में हम लोग को वहाँ पे मसाज ये था, मसाज चेयर था, तो वो पे करके हमने फुल बॉडी मसाज लिया था, थोड़ा रिलैक्स हो गया था। वो एक ही रीज़न है जो ये कंप्लीट करने का इच्छा आज हो गया। ये कौन सा किला है समझ में नहीं आ रहा है। जो फोर्ट अभी आपने देखा वो था नलदुर्गा फोर्ट, पता नहीं है उसका कोई जाता है क्या वहां पे, एक बोर्ड लगाया था एंट्रेंस गेट पे, एक बोर्ड लगाया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या है अंदर। ऐसा मेंटेन तो नहीं दिख रहा है, तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, गूगल कर लेंगे हम। हम लोग अक्कलकोट के आसपास पहुंच चुके हैं। सोलापुर कुछ 28 किलोमीटर और है।
तुलजापुर, सोलापुर सीधा, पुना सीधा तुलजापुर राइट। MH05 ते काही कळलं नाही, बोर्डच नाही ना, फास्टॅग एकदम लास्ट लेन वाला। अरे कोणाला भरती लिहिला नाही ना, काम हो गया अभी 15 दिन। वही बोला ना, ऊपर लिखा नहीं है ना, लेकिन काम चालू है, 15 दिन सब बराबर है। तू शाना तो मैं डेढ़ शाना। बात देने का नहीं है, इन लोग जानबूझ के ना ये लोग प्रमोट नहीं कर रहा इसको। तेरे को लग रहा है फास्ट लेन को इतना लाइन रहेगा? जानबूझ के कर रहे ये लोग। ये काफी दिन से देखा जा रहा है कि फास्ट लेन को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे ये लोग। ये लोग जितना सता सकते सता रहे। अभी आप देखो आगे फास्टैग का लोगो लगाया हुआ जो गेट है, डोर है, वहीं पे मैं जाके फिफ्थ लेन में मैं जाके फिफ्थ लेन में मैं जाके मैं वापस आया। बोलता है फास्टैग नहीं है इधर, फास्टैग खाली पहले लेन में, और इधर किधर भी उसका बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि फास्टैग का लेन वन में है। ये जानबूझ के लोग मैक्सिमम सता रहे लोगों को ताकि कैश मिले, रोकड़ा व्यवहार। पीछे टोल बूथ वाले का सब तो झगड़ा हो गया, वो बैरिकेड के इधर खड़ा नहीं है, और मैं गाड़ी आगे लेके गया तो बोलता पीछे लेके जा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या मालूम किधर है सेंसर? अरे उसके हाथ में सेंसर। सेंसर उसके हाथ में है ही नहीं, वो इधर किधर तो लगा के रखा है, नहीं मिलेगा ऐसा।
लाल बत्ती बंद किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो ये नया फंडा है दो पुलिस वाले को दे देने का, लाल बत्ती वाला, पीला बत्ती वाला, और घूमने का, गाड़ी के पीछे लगाने का, गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी, गवर्नमेंट ड्यूटी बोल के खाली हॉर्न बजा बजा के ना ओवरटेक करने देता ना उन लोग आगे जाता। इसको ये देखो, आंध्र प्रदेश का गाड़ी है, आंध्र प्रदेश का गाड़ी को एस्कॉर्ट दे रहा है महाराष्ट्र पुलिस, और ओवरटेक मार के अपना जगह आता तो हॉर्न मार के दिखाते ये लोग, और ये लोग बोलते हैं ये लोग अपना सेवा कर रहे, गवर्नमेंट ड्यूटी। कौन सा गवर्नमेंट ड्यूटी है? बैगेजेस देखो, गाड़ी के ऊपर जितना बैग रखा है देखो, यही चीज़ अगर कोई प्राइवेट आदमी गाड़ी के ऊपर इतना बैग लगा के जाएगा तो लगेज कैरी करने के नाम पे आरटीओ पेनल्टी मारेगा, और गवर्नमेंट का नाम लगा दो और गाड़ी के ऊपर लगेज, अंदर लगेज भर भर के पुलिस वाले ये सब रख के ये लोग जाएंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम करेगा तो इल्लीगल। और ओवरटेकिंग करने को देगा नहीं, ओवरटेकिंग करेगा तो पी करके हॉर्न बजाने का, जैसा कि इनका बाप ने खरीद के रखा है पूरा रोड। ये गोल्डन गाड़ी वाले को ज्यादा नखरा है। गाड़ी को एस्कॉर्ट ऐसा दिया जा रहा है जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहे हैं, और हॉर्न वो गोल्डन कलर का इनोवा वाला इतना हॉर्न बजा रहा है जैसा कि उसके लिए खाली पूरा रोड बना के रखा है, और ओवरटेक का टाइम आएगा तो बराबर राइट में दबाएगा, लेफ्ट में दबाएगा। 5:50 पूना पहुंचे हम लोग, 1:50 हम लोग अभी पुणे एक्सप्रेस वे चढ़ गए। अभी यहाँ से 110 किलोमीटर मेरा घर, तो ये ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होने को आ रहा है, और बीच में मैंने फिर रात के बाद एक्चुअली मैंने ज़्यादा ब्लॉग किया ही नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग ही कर रहा था ज़्यादा, और बीच में एक घंटे का ब्रेक ले रहा था, सोया, फिर वापस थोड़ा चलाया, फिर सोया, फिर चलाया, वैसा करके मैंने ड्राइविंग मैंने 5:30 को चालू किया। 5:30 को चालू करके हम लोग अभी तभी 451 किलोमीटर तभी बाकी था, तो रफली 300 किलोमीटर हमने रात में कवर किया था, और सोलापुर पहुंचे हम लोग अराउंड 6:30 या सोलापुर नहीं, हाँ सोलापुर के सोलापुर से 50 किलोमीटर पहले हम लोग पहुँचे अराउंड 6:30 को, चाय भी पिया, फ्रेश हो गया। अभी पुणे एक्सप्रेस वे पे हमको पुणे में बहुत तकलीफ दिया, वापस जो बैंगलोर में इशू क्रिएट हुआ था सेम इशू यहाँ पे भी क्रिएट हुआ, जहाँ पे ट्रैफिक आया वही जगह पे गूगल ने धोखा दे दिया। अभी हम बालेवाड़ी स्टेडियम क्रॉस कर रहे हैं, गूगल ने धोखा दे दिया तो हमारे का रास्ते का लफड़ा हो गया, तो हम लोग सिटी के अंदर घुस गए गलती से, फिर पूरा घूम घूम के बाहर आए। बस इतना ही है, ये सीरीज आज खत्म, ये जो ट्रैवल सीरीज था आज का, ये एंड लास्ट डे, अराउंड 4:30 तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे, शायद 4:30 या 5 o'clock, क्योंकि अभी थोड़ा रिफ्रेशमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा फ्रेश होना, खाना खाना पड़ेगा। नाश्ता हुआ था, नाश्ता बहुत बकवास था, तो छोड़ दिया था हम लोगों ने वहाँ पे।